नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। एक बज चुके हैं और इस बुलेटिन में हम सबूत दे देते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। हर बार पीठ में छुरा भोंकता है और फिर कहता है सबूत दिखाओ। उरी आतंकी हमले में मारे गए आतंकी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। आतंकियों के पास कई हैंड ग्रेनेड मैगजीन्स बरामद हुई है। आतंकी के पास आर्मी की जैकेट जब्त की गई है, साथ ही खाने का सामान, कलम, मफलर हमले की जगह से बरामद हुए हैं। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने यह बताया है कि आतंकियों के पास से 4 AK-47, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद मिले हैं। उनके पास आग लगाने वाले हथियार भी मौजूद थे। ये सबूत ले ले जरा पाकिस्तान। हमारे संवाददाता 7RCR जहां पर बैठक चल रही है, रविंद्र कुमार बने हुए हैं और श्रीनगर से हमारे साथ खालिद हुसैन मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले खालिद, वहां पर क्या क्या मिला है और ये कैसे पुख्ता होता है कि ये पाकिस्तान से ही आया हुआ है? देखिए, जो आर्मी का कहना है उनके मुताबिक जो वहाँ पे जो सियाशे मिले हैं उनमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है और वो उन मिलिटेंट से बरामद हुआ और साथ ही एक मिलिटेंट की तस्वीर भी सामने आई है और जिनकी आयु बता अगर बात करें तो 22 वर्ष की बताई जा रही है। साथ ही साथ वहाँ से ग्रेनेड मिले हैं और एक एक मिलिटेंट जो 4 मिलिटेंट घुसे थे उनके पास से 10-10 ग्रेनेड कहते हैं कि सबके पास थे और साथ ही जब हमला हुआ तो उसमें केवल 3 मिनट में 17 ग्रेनेड दागे गए थे उस हमले के भीतर। और जो सेना के मुताबिक जो सामान मिला है वो सारा पाकिस्तान में जो है वो मिला है और जिससे वो साफ ये इशारा करते हैं कि ये पाकिस्तान से आए थे और न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप था, सीधा POK से जो पहाड़ी मिलती है वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके सीधा इनका टारगेट जो था ये कैंप था और कैंप पर इन्होंने ये हमला अंजाम दिया। यह सेना जो है अब धीरे धीरे ये सारे सबूत इकट्ठे कर रही है और इन्हीं सबूतों के बिना के आधार पर वो आगे कार्रवाई करेगी। जी खालिद, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ मैं, कुछ और सवालात है लेकिन उससे पहले जरा रविंद्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि 7RCR में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, क्या खबर वहां से आ रही है रविंद्र? देखिए रूबिका, एक ही बात पर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और जो हमें जानकारी मिल रही है भारतीय DGMO पाकिस्तान के DGMO को जिन सबूतों की चर्चा अभी खालिद ने किया, इन सभी सबूतों को पाकिस्तान के DGMO को देंगे। एक पाकिस्तान के साथ इस स्तर पर तो कम से कम एक सबूत पेश किया जाएगा, लेकिन जो अंदर चर्चा हो रही है दो स्तर पर हो रही है, एक शॉर्ट टर्म क्या स्ट्रेटेजी हो, एक लॉन्ग टर्म क्या स्ट्रेटेजी हो। जो हमें जानकारी मिल रही है शॉर्ट टर्म में अपना कश्मीर के अंदर LOC के अंदर कोई घुसपैठिया ना हो, आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो 90 से ज़्यादा घुसपैठ हुआ, एक भी घुसपैठ ना हो और घुसपैठ अगर होता है तो उसे उसी जगह पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, आर्मी कैंप पर ना पहुँचे, आदमी को बीच में ना पहुँचे, ये एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। लॉन्ग टर्म में है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को, लीबिया को आतंकवादी देश घोषित किया था, उसी तरह पर उसी तर्ज पर भारत पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने की पूरी कोशिश करेगा कूटनीतिक स्तर पर, ये एक है। और एक साथ ही पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए रूस के साथ, अमेरिका के साथ, यहाँ तक कि चीन के साथ भी बातचीत किया जा सकती है, ये स्ट्रेटेजी बनाई जाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक कई तरह के डिमांड हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर, बड़े स्तर पर यही माना जा रहा है कि म्यांमार में तो वहाँ की सरकार उनके साथ थी लेकिन पाकिस्तान में वहाँ की सरकार नहीं होगी, LOC क्रॉस करते हैं, इसके परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। क्या हम उस गंभीरता को झेल सकते हैं, उस गंभीरता को और आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार केवल बयानबाजी नहीं होगा, पुख्ता कार्रवाई होगी, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, और इसी पर शायद बैठक चल रही है। रविंद्र बने रहिएगा, हमारे साथ खालिद भी बने हुए हैं। खालिद, खबर तो ये आ रही है कि ये 105 मिनट तक रेकी की गई बाकायदा, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी, ये स्क्रिप्ट तैयार की गई कि कितनी देर वहाँ पर रुकना है, किस तरीके से ये हमला जो है अंजाम दिया जाएगा, क्या किसी तरह की और चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे ये पता लगे कि कोई और भी था जो इनको लगातार डायरेक्ट कर रहा था या इनको दिशा निर्देश दिए जा रहा था?
देखिए अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ चल रहा है और सारे चीज़ों की जांच पड़ताल हो रही है। जो तार कल कटी हुई मिली थी जहाँ से अंदेशा था कि ये मिलिटेंट जो है कैंप में दाखिल हुए थे, वो सारी समीक्षा की जा रही है। और अभी खुलकर जो है सेना इस पर बात नहीं कर रही है। जो सेना के प्रवक्ता से मेरी बात हुई, उन्होंने जितना कहा कि अभी फ़िलहाल हमें पूरे सबूतों को इकट्ठा करना है और उसके बाद देखना है कि वो रूट जो है जहाँ से जो इन्फिल्ट्रेट हुआ है उसको ट्रैक करना है और ये सारे सबूत जो जमा किए जाएंगे सबसे पहले ये आर्मी चीफ को दिए जाएंगे और उसके बाद रक्षा मंत्री को दिए जाएंगे और फिर ये हाई लेवल पे जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो किसी भी बात को लीक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सारे सबूतों को इकट्ठा करना है और सारे जो लीक्स मिल रहे हैं उसके बाद ही। इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। खालिद आपका भी शुक्रिया, रविंद्र मीटिंग पर बैठक पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि खत्म होते ही दोबारा आपके पास लौटेंगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हर हिंदुस्तानी का खून आज की तारीख में तो खौल रहा है। जब जवानों का खून बहता है तो ये देश बदला मांगता है क्योंकि इस देश का खून खौलता है। जब देश की रक्षकों की माओं की गोद सूनी हो जाती है तो आपका और हमारा खून खौलता है। ये देश जवानों की शहादत पर अब सिर्फ आंसू नहीं बहाना चाहता, ये इंतकाम चाहता है। दुश्मनों को वही दर्द देना चाहता है जो हिंदुस्तान सह रहा है। देश का हर एक नागरिक आज दुश्मनों से बदला लेने की बात कर रहा है, आप खुद देखिए। अब ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवानों की शहादत अब और नहीं, उनको दिखाना चाहिए कि बाप बाप उधर और बेटा बेटा उधर। गवर्नमेंट का खून क्यों नहीं खौलता है? जब जवानों का खून बहता है तो देश का खून खौलता है। मेरा खून ने पूरा बदन खोल रहा है कि ऐसे पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने देनी चाहिए। उरी में जवानों पर हुआ हमला पूरे देश पर हमला है। इस हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश का खून खोल रहा है। अपने एक सैनिक मर रहा मतलब कम नहीं है, एक लाखों के बराबर है। वो आदमी जो एक मरेगा ना, वो सैनिक मरेगा, एक आदमी लाखों के बराबर है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपके साथ है मनोहर पर्रिकर साहब, और मोदी जी आप बिंदास हमला करो, हम लोग आपके साथ ही है। पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए। हम लोग ये सोच करके चल रहे हैं कि अगर हम लड़ाई में जाएंगे और शायद फिर से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, तो होने दीजिए। लोग पूछ रहे हैं आखिर कब तक सहेंगे हम, दुश्मनों को कब जवाब देंगे हम। सोते हुए जवानों पर गोलियां चलाने वाले आतंकियों को मौत के घाट कब उतारेंगे हम। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़क पर निकल आए हैं, दुश्मनों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोग गुस्से में हैं क्योंकि खून खौल रहा है। लोग कह रहे हैं जब जवानों का खून बहता है तो ये देश बदला मांगता है। अब बातचीत नहीं, आक्रमण करो क्योंकि खून खौलता है। मैं अपनी रिंगटोन पे विश्वास रखता हूँ और इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर इसके बारे में भी हम नहीं सोचते तो धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, धिक्कार है ऐसी सोच पर। सही समय है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, हमें उसके घर में घुसकर उसको मारना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं तत्काल पाकिस्तान पर आक्रमण करें। सवाल ये है कि जब सब कुछ पता है, ये पता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी है, इस हमले के पीछे पाकिस्तान है, तो फिर चुप क्यों रहे हम? ये देश अब एक्शन चाहता है। वहाँ पे ये आप बातचीत करोगे तो किससे करोगे? वहाँ पे जो दे कॉल द शॉट्स इज इन वहाँ की पाकिस्तान आर्मी। अब पानवी आर्मी के साथ तो हम बात नहीं कर सकते, तो आप करते हो नवाज शरीफ, नवाज शरीफ वही बोलेगा जो पाकिस्तान आर्मी बोलेगी उसके, तो उससे बातचीत करने का फायदा क्या है?
तो हमें ये बातचीत का जो जरिया है ये बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर देना चाहिए और हमें कुछ ऐसे कुछ एक्शन लेने चाहिए जो कि पाकिस्तान को पिंच करें। ये जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान कर रहा है, जो ये आतंकवादी हमले कर रहा है, इसकी कास्ट और भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो 4 आतंकवादी आए, उनको हमने मार दिया, लेकिन हमारे 17 लोग मारे गए। अब हमको करना ये पड़ेगा कि जो उनका आतंकवादी कैंप है उसको ही हम डिस्ट्रॉय करें, जिससे कि उनके 4 आदमी नहीं, उनके 40 मरे, और अगर उसमें कोई इक्का दुक्का आतंकवादी भारत में आता है तो उसको हम यहाँ पर मार गिराएं। उरी में हुए आतंकियों के कायराना हमले की निंदा करता हूँ। मैं देश को भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी इस घिनौने हमले के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं उरी में जवानों की शहादत को सलाम करता हूँ। देश के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवार के साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भरोसा दे रहे हैं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देश अब तक उनकी बातों पर भरोसा कर रहा है, लेकिन लोग अब सवाल भी पूछने लगे हैं, क्योंकि लोगों का खून खौलता है। पाकिस्तान मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने उरी हमले के बाद अपना गुस्सा दिखाते हुए लिखा कि 17 सैनिकों के मारे जाने की बेहद दुखद खबर। परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। उरी पर हमला हुआ है, अगर पाकिस्तान ने युद्ध को चुन लिया तो फिर युद्ध ही सही। गायक अभिजीत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री से अपील करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? हमारे सैनिकों को और ताबूत क्यों? पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम फैसला लीजिए। सेलिब्रिटीज की भावनाएं भी लोगों की तरह ही हैं। सब एक्शन चाहते हैं, चाहे दिल्ली के लोग हो या मुंबई या फिर पटना के। अगर पाकिस्तान डायरेक्टली अटैक नहीं करके इन आतंकवादियों को यूज करके इंडिया को मतलब इतना डैमेज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया को भी काउंटर अटैक करने चाहिए। और बदलने का समय आ चुका है, सोचने का समय आ चुका है, और हमको वैसा ही करना चाहिए जैसा वो जवाब दे रहे हैं। अपनी सरकार बहुत कूल माइंडेड है, लेकिन हमें भी अभी थोड़ा एग्रेशन दिखाना चाहिए। ऐसे में देश अब एक जवान की शहादत का बदला 100 आतंकियों की मौत से लेना चाहता है, क्योंकि उरी जैसे हमलों के बाद देश का खून खौलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।